राजधानी पटना के बाद अब बिहार के 4 जिलों में भी चलेगी मेट्रो। बिहार की नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किया बड़ा फैसला। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में शुरू होगी मेट्रो रेल सेवा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार वासियों को मिलने जा रही है सौगात। दरअसल बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें कि इनमें सबसे अहम बात यह है कि पटना के बाद अब बिहार के 4 अन्य शहरों में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। दरअसल बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें कि इनमें से सबसे अहम बात यह है कि पटना के बाद अब बिहार के 4 अन्य शहरों में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क स्थापित करने का फैसला किया है। बता दें कि पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और अब आने वाले दिनों में इन 4 शहरों में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। वहीं आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट ने इन प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में खेल विभाग में कुल 545 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जाएगा। वहीं बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। वहीं किसानों को डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी सहमति बन गई है। इस बार बिहार विधानसभा का सत्र 22 से 24 जुलाई तक चलेगा। कुल 5 बैठकें होंगी। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव AS सिद्धार्थ ने कहा कि भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में मेट्रो के लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे और उसके बाद DPR बनाई जाएगी और DPR स्वीकृत होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और 2027 तक इसके पूरे होने की उम्मीद भी है। पटना मेट्रो फेज 1 में कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें 13 स्टेशन भूमिगत और 13 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। पहले चरण में 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से खेम नीचक तक जाएगा। इसकी लंबाई 18 किलोमीटर होगी। वहीं दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक जाएगा और इसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर होगी। हालांकि जब से NDA की सरकार बिहार में बनी है तब से नीतीश सरकार लगातार बैठक भी कर रही है और लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए अब नई सौगात देने की भी बारी आ गई है। वहीं इस कार्य को लेकर आप क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा।